توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا إلهي جب تک میرے بدن میں میری جان رہے یا الہی جب تک میرے جسم میں میری جان رہے دعا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور میری تمنا ہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں بڑھائیاں کبریائیاں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدس واسطے جیڑی ذات تمام جہانا دی خالق ہے مالک ہے پروردگار ہے پالنہار ہے درود و سلام بے حد و حساب انگنت اور لا تعداد امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحا والی بدہا امام اعظم رسول مکرم نبی معظم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جس ذات نو اللہ جل شانہ نے تمام جہانا واسطے رحمت بنا کے مبوس فرمایا جدی پیروی دی اندر جدی فرما برداری دی اندر جدی اطاعت دے اندر دنیا اور آخرت دیاں تمام بھلائیاں تمام عزتاں تمام کامیابیاں تمام کامرانیاں موجود نے میرے محترم بزرگو دوستو ساتھیو احترامہ دے لائق میری معززات مکرمات روحانی اسلامی پردہ نشین ماؤ اور بہنوں اللہ دی توفیق دے نال الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دا خطبہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے قصے اور واقعے دا اے اختتامی آخری خطبہ ہے الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی مدد دے نال اللہ دی نصرت دے نال اس قصے تے اس واقعے تے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تے اے 15واں خطبہ ہے اور ایک خطبہ سورہ یوسف دی فضیلت تے اور وہ دی عظمت تے ان دے شان نزول تے ایک خطبہ ابتدائی خطبہ جڑا سی وہ بیان کیتا گیا تو اے مجموعی طور تے اے 16واں خطبہ ہے اللہ دی توفیق دے نال اے واقعے نو بیان کرنا
इंदे अंदर बेशुमार निशानियां, बेशुमार साढ़े वास्ते नसीहतां मौजूद ने। और ये तुहाड़ी मुहब्बत है, तुहाड़ा प्यार है कि अल्हम्दुलिल्लाह 16 खुतबे अल्लाह दी तौफीक दे नाल इस वक्त अल हबीब इस्लामिक सेंटर जिन्हां दे प्रोपराइटर भाई गुलाम हुसैन साहब ने और अल कुरान इस्लामिक सेंटर जिन्हां दे प्रोपराइटर हुज़ैफा साहब ने, इन्हां कोल ए महफूज ने, कोई भी जदों भी जिथे भी सुनना चाहे ये नेट तो काढ़ के खुतबे सुन सकते ने। अल्लाह मेरा सुनाना, तुहाड़ा सुनना और इन्हां दा खुतबियां नूं महफूज करना साढ़े सारियां वास्ते अल्लाह जरिया निजात बनाए। तो अज दा इख्तदामी ए खुतबा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात ते होएगा। जज़ाक अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह सानू इस सारे किस्से दे विचों नसीहतां और वसीयतां हासिल करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। देखो ना, तुसा शुरू दे अंदर किस्सा सुनिया, चलदा चलदा आखर अपने इख्तिताम नूं पहुंचिया। बंदे दी जिंदगी दी भी ये मिसाल है, बंदा पैदा हुंदा है, उन्दे जिंदगी दे दिन चलदे चलदे अखीर उन्हूं मौत तक लै आंदे। ये सानू फिक्र करनी चाहिए इस बात दे कि जदों अल्लाह ने दुनिया का एक निज़ाम बनाया है, इत्थे बड़े हुसैनो जमील आए, बड़े खूबसूरत आए, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, ते आ के अपनी दुनियावी जिंदगी गुजार के ते दुनिया तो कूच फरमा गए। तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओ दुआ कुरान दे अंदर मौजूद है, जिन्ना ने अल्लाह दी हमद बयान फरमाई, अल्लाह दा शुक्र अता फरमाया और अल्लाह दी तारीफ बयान फरमाई ते नाल दुआ फरमाई कि अल्लाह जदों तू चाहेगा मैनू वफात देनी, जदों मेरी जिंदगी मुके, जदों मैं दुनिया तो जावां ते अल्लाह मैनू इस्लाम दी हालत अंदर उठावी ते उठावन तो बाद मैनू नेकां दे अंदर शामिल फरमा दे। किन्नी प्यारी दुआ कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज नाल बयान फरमाई है। सूरह यूसुफ दे अंदर इस किस्से दे आखर ते फरमा देने रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है जिन्ने मैनू बादशाही अता फरमाइए। रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, जिन्ने मिस्र दा मुल्क अता फरमाया, बादशाहियां दित्तियां। वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, और मैनू ख्वाबां दियां तबीरां वाला इलम अता फरमाया। अल्लाह दा शुक्र अदा फरमा रहे और अल्लाह दा शुक्राना फरमाया। मेरे अल्लाह ए मुल्क वे तू अता फरमाया, मैं मुल्क हासिल नहीं कर सकता सा। मेरे अल्लाह तू जिन्नू चावे बादशाह बना देवे, जिन्नू चावे वजीर बना देवे, जिन्नू चावे फकीर बना देवे। मेरे अल्लाह तेरिया ही बादशाहियां ने। वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस, मेरे अल्लाह अगर ख्वाबां दी तबीरां दा इलम भी मैनू मिलिया ते मेरे अल्लाह ओ तू अता फरमाया। फातिर समावाती वल अर्ज़,
अल्लाह सोनिया सत्त आसमाना नू भी तू बनाया, सत्त जमीना नू भी तू बनाया। अंत वली फिर दुनिया वल आखेरा, मेरे अल्लाह तू ही मेरा दुनिया का भी दोस्त है, आखरत का भी दोस्त है। तू मेरा दुनिया का भी कारसाज है, आखरत का भी कारसाज है। मेरे अल्लाह तू मेरा दुनिया ते भी मददगार है, ते मेरा आखरत अंदर भी मददगार है। और फरमा देने तवफ्फनी मुस्लिमा, मेरे अल्लाह जदों मैनू फौत करे तवफ्फनी, जदों मैनू फौत करे दा मेरे रब्बा मुस्लिमा, मैनू इस्लाम दी हालत अंदर ही फौत करे। व अलहिकनी बिसालिहीन, फौत करन तो बाद मेरे अल्लाह तू मैनू सालिहीन दे अंदर शामिल कर देवी। हालांकि नबी ये अल्लाह दा ते वेखो किन्नी फिक्र है आखरत दी, असी कदी आखर की फिक्र ही नहीं की। मेरे सोने महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सारे कबो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुस्ने खातमा यानी आखर आखरी वक्त जेड़ा वो ईमान वाला होना चाहिए। इहदे बारे उम्मत नूं एक दुआ दसीए, मेरे उम्मत दे लोगो अल्लाह कोलो मंगिया करो कि अल्लाह जदों तक जिंदा रखी इस्लाम ते रखी, ते जदों मौत आवे ईमान दी हालत अंदर फौत करी। ये मेरे आका ने भी दुआ दसी, बड़ी प्यारी दुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमा देने, मेरे सोने महबूब पैगंबर ने एक बंदे दी नमाज़े जनाजा पढ़ाई है, और मेरे आका ने क़रा अलल जनाज़ाति बिफातिहतिल किताब, मेरे सोने नबी ने उदे जनाजे ते सूरत फातिहा नू पढ़िया। हुण वेखो ना बंदा इत्थों साबत दो चीज़ां होंदियां ने, एक सूरत फातिहा दा पढ़ना और दूसरा उच्ची पढ़ना। हुण उच्ची पढ़िया ते सहाबी ने सुनिया है ना, जे उच्ची ना पढ़दे दिल च पढ़दे सहाबी नूं की पता सी दिल च की पढ़ रहे ने। उच्ची पढ़ना भी जायज़ है ते आसता पढ़ना भी जायज़ है। मेरे सोने नबी ने उच्ची आवाज़ अंदर भी नमाज़े जनाजा पढ़ाई है ते आसता आवाज़ दे अंदर भी पढ़ाई है। एक और सहाबी कहंदा है मेरे सोने नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ाया, एक सहाबी दा मैं पिछे खड़ा उन्हों लोगों के अंदर जेडे मेरे सोने नबी दे पिछे नमाज़े जनाजा पढ़ते ने। जदों मेरे आका ने दुआवां मंगियां उस मैयत वास्ते इन्निया दुआवां मंगिया और इन्ना रो रो के मंगिया, मैं दिल दे अंदर सोचिया काश के ए मैयत मेरी हुंदी। जिंदे ते आका ने इन्निया दुआवां पढ़िया ने, इन्निया रो रो के मेरे आका जिन्हें और जिदे बारे सोने नबी दुआ मंगदे न, ओदा जन्नती होण ते कोई शक रह जांदा? जिदे बारे आगा दुआ मंगदे। ते सहाबी कहंदा मेरे सोने नबी ने फरमाया जदों नमाज़े जनाज़ा दी दुआ मंगिया करो उदों ये क्या करो, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहुम मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहुम मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। एदा माना ये बनता है मेरे सोनिया रब्बा जदों तक मैनू जिंदगी देना है जिन्ना चिर जिंदा रखेगा मेरे अल्लाह तो इस्लाम ते जिंदा रखी, और जदों मौत आवे जदों मेरा आखिरी वेला आवे जदों मैं फौत होवां ते मेरे अल्लाह ईमान दी हालत अंदर मैनू मौत देवी। वमन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। मेरे सोने नबी ने भी ओह दुआ दसी है, उस तरह दसिया जिमें यूसुफ नबी ने अल्लाह कोलो दुआ फरमाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह
जो फौत हुआ ते मैं तेरा फरमा बरदार बन के फौत हूँ। किड़ी प्यारी दुआ। और सैयदना याकूब नबी ने ख्वाब वेख्या, हजरत यूसुफ नबी दा बाप है, 17 साल गुजार छड़े ने अपने बेटे दे मुल्क दे अंदर, मिस्र दे अंदर 17 साल गुजर गए ने। ख्वाब दे अंदर वेख्या हजरत याकूब नू ओदा बाप मिलिया, ख्वाब दे अंदर नबी नू नबी मिलिया, नाले नबी ए नाले वालद। हजरत याकूब नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दा वालद इसहाक अलैहि सलातु वस्सलाम ख्वाब दे अंदर मिलदे ने, नाल ही सैयदना इब्राहिम नबी भी ने, ते कहंदे ने ए पुत्रा तेनू मिलन दा बड़ा शौक है, तू आ सानू मिल लै। ये ख्वाब वेखिए सुबह उठे ने ते पता चल गया हुण मैं दुनिया तो जा रहा वा, दुनिया की जिंदगी मेरी खत्म हो गई, रब वल्लों इशारे मिल गए। ये ख्वाब सैयदना यूसुफ नबी दे सामने बयान किया है। हजरत यूसुफ नबी नू अल्लाह ने ख्वाबां दी तबीरां दा इलम अता कर छड़िया है, बाप कोल ख्वाब ते सुन लिया है पर सामने रोए नहीं ने। तफसीर वाले लिखिया है सैयदना यूसुफ नबी तनहाइयां दे अंदर बैठ करके जारो कतार रोया कर दे, अज बाप भी मेरे को जा जुदा हो रहा है, जेड़ा ख्वाब अल्लाह ने वखाया है। ये ख्वाब दसदा है हुण ज्यादा देर मेरा बाप साढ़े अंदर नहीं रवेगा। तफसीर के अंदर लिखिया है सैयदना यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम चंद दिन गुजरे ने, ये ख्वाब किसे नू दसिया नहीं है, एदी तबीर किसे नू नहीं दसी। इन्नी देर नू आसमान तो जबरील भी आ गया, जबरील भी आ करके इतलाक करदा यूसुफ अल्लाह ने प्रोग्राम बनाया है, अल्लाह दे इरादे ने सैयदना याकूब अलैहि सलातु वस्सलाम नू वफात देन दे। ए तुहाडा बाप थोड़े दिन दा तुहाडे कोल मेहमान है। सैयदना यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम ने सुनिया, जबरील कोल भी सुन करके ते सैयदना यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम गश खा के जमीन ते डिग पे, इन्ना रोए ने अल्लाह सुनिया बाप मेरे कोल आया भी है ते थोड़े साल गुजरे ने ते जुदाइयां दे रहा है, अगे ते बाप दुनिया ते मौजूद सी, उम्मीदा सी के बाप मिल जाएगा, उम्मीदा मौजूद सी के मुलाकात हो जानगियां। हुण जदों बाप ने जाना है फिर मुड़ के आना, फिर मुड़ के नहीं आना, हुण तां बाप हमेशा वास्ते दुनिया छड़ के जा रहा है। सैयदना यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम ने सारे खानदान नू जमा किया है, अपने भाइयों नू भी जमा किया है ते दस्या कि इस तरह मैं ख्वाब सुनिया है, मेरे अब्बा जी नू ख्वाब आया है, ये साढ़े कोल चंद दिन दे मेहमान ने, क्यों ना असी अपने बाप कोलों कोई नसीहत हासिल कर लईए। खानदान नू दस दिता, खानदान नू जमा करके खानदान दे लोग भी बड़े रोए, उन्हां भी हुण देखो ना, ये तो अल्लाह दा निज़ाम है, अल्लाह दा हुक्म है, भावें कोई मन्ने ते भावें कोई ना मन्ने, जदों मौत आ जानी है फिर किसे दा चारा चलना, फिर किसे दा भी चारा नहीं चलना। ये दुनिया फानी है, इत्थे सानू चाहिदा असीं अपनी कबर की तैयारी करें। कबरां वेखदे ना, कबरां ते कबरां वेख के भी असीं कदी अंदाजा नहीं लाया। ओए मेरे वीर मुसाफर सोच जरा, इस जग दा इको फेराई, इत्थे बड़े बड़े नबी आए, बड़े बड़े पैगंबर आए, यूसुफ नबी ते सैयदना याकूब नबी, बाप नबी है बेटा भी नबी है, पर जबरील दे तरफों भी पैगाम आ गया ते रब ने ख्वाब दे अंदर भी दस दिता है मेरा याकूब हुण चंद दिन दा मेहमान है, दुनिया छड़ जाना है। इस वास्ते तू भी कदी गौर किया कर, मेरा असल टिकाणा ए नहीं है, मेरा असल टिकाणा कबर है।
असल टिकाणा जेड़ा है ना कबर है। आदत चंद दिन की जिंदगी दुनिया से आया और चला जाना, इतने हमेशा नहीं रहना। ओए कबरां दे ढेर उचेरे ने दस थले वसदे केड़े ने, गौर करी चुमलियां ते कबरां दे ढेर उचेरे ने, ओए दस थले वसदे केड़े ने, कुछ मेरे ने ते कुछ तेरे ने, ए उजड़ियां दा डेरा ए, ओ मेरे वीर मुसाफर सोच जरा इस जग ते इको फेरा ए। और फरमाते ने इथों नजर बचा के टुर चलिए, इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लंबे राए। ए दुनिया दी चंद दिन दी फानी जिंदगी है, इत्थे हमेशा नहीं रहना। ए सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता चल गया हुण मेरे आखरी अयाम ने, ते कुरान दे अंदर तफसीरां दे अंदर लिखिया है सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह दे नबी ने जदो आखरी अयाम आए ने, बेटियां नू जमा फरमा लिया, सारे पुत्रां नू जमा फरमा के अर्ज फरमाते ने, हुक्म करते ने कि आओ मेरे पुत्रो मेरे कोल बैठ जाओ ते चंद वसीयतां सुन लो, नसीहतां सुन लो। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां नूं वसीयतां पै करते ने। कुरान कहिंदा वा वसा बिहा इब्राहिम बनी ही व याकूब या बनी या इन अल्लाह अस्तफा लकुम उद्दीन फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून अम कुल तुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत। पहला सपारा है और सपारे का आखिरी रुकू है। ये अल्लाह ने वाकया सारा बयान फरमाया। अल्लाह कहिंदा पिया तुसी उदों है सौ जदों याकूब अलैहि सलातो वसलाम दे कोल मौत आई। अम कुन तुम शुहदा इद हदरा, जदो हाजिर हुई याकूब अल मौत, याकूब नबी अलैहि सलात व सलाम दे कोल मौत आई। हुण देखो ना, मौत दा लफ्ज़ जेड़ा है ना, ये अल्लाह दे नाम नाल जोड़ना अल्लाह दी तोहीन है। बाकियां दे नाल जोड़ना ये साढ़े वास्ते रहमत है। अल्लाह ने कुरान च फरमाया कुल्लु मन अलीहा फान, सारी दुनिया फानी है, सारिया ने चला जाना, वफात पा जाना, फौत हो जाना। वया बका वजहु रब्बी का जुल जलाल वाल इकराम, एक बाकी तेरा रब ही रहना है। फाबी आइए आला ही रब्बी को मात कजीबान, अल्लाह का केड़ी केड़ी नेमत नु ठुकराओ दे। मौत भी नेमत है, मौत भी नेमत है। कई लोग इन परेशानियां ते मुसीबतां च होंदे ने, कहंदे ने अल्लाह मौत ही आ जाए, जे मौत ना आनी होंगी तुसी अंदाज़ा करो बुढ़ापे के अंदर किस तरह कई लोग गुजार जिंदगी गुजार दें। मेरे आका ने बुढ़ापे तो अल्लाह दी पनाह मंगी, ये परेशानियां दा मुसीबतां वाली जिंदगी होंगी। और मेरे भाई ओम सैयदना याकूब नबी ने सारे बेटे जमा फरमाए, वसीयत फरमा रहे ने, फरमा दे पैने पुत्रो मैनू दसो मेरे तो बाद किंदी इबादत करोगे। कहंदे ने अब्बा जी असे तेरे रब दे ते तेरे बाप ते दादे दे रब दी इबादत करांगे। जदों ये सारा कुछ उन्हां कोलो सुन लिया ते फरमाया एक मेरी होर वसीयत सुन लै यूसुफ नबी, ऐ मेरे पुत्रा यूसुफ आ एक मेरी वसीयत याद रख लै। फरमाया अब्बा जी हुक्म करो, फरमाया जदों मैं फौत हो जावां मैनू गुसल दे के कफन दे के मिस्र दे अंदर नहीं दफन करना, मैनू मेरे बाप इसहाक दे कोल दफन करना। इत्थों साबित हुंदा नेकां दे कोल जगह मंग लैनी चाहीदी है।
अल्लाह नेकां दे कोल ढेरियां बन जान। ओए नेक कोई नेक बंदा किसे कब्रस्तान अंदर दफन हो जाए, अस अल्लाह उहदी बरकत नाल सारे कब्रस्तान नूं ही माफ़ कर देंदा। ये नेकां दा गवांढ दुनिया ते भी फायदेमंद है ते एक कब्रस्तान दे अंदर भी फायदेमंद है। कयामत वाले दिन भी नेकां दा साथ जिहड़ा जन्नत लै जाएगा। अज असीं नेक लोगों के नाल यारी लाण तों, उन्हां नाल बैठण तों, दोस्ती करण तों, उन्हां नाल अपना ताल्लक बनावण तों डरने आ कि इन्हें नमाज ते ही ला देना है। हर वक्त ये बस नमाज ते ही कहिंदा रहिंदा है। असीं शुगल मेले और ठट्ठा मजाक इस तरह के दोस्तों पसंद करने, इस तरह की महफल नूं पसंद करने आ। और ये वो महफल ने कुरान वालियाँ कि जेड़ा दुनिया ते भी फायदेमंद है, मरण तो बाद भी फायदेमंद है, ते हशर दे मैदान दे अंदर भी फायदेमंद है। फायदा ही फायदा। फरमाया मेरे यूसुफ मैं फौत हो जावां ते मैनू मिस्र दे अंदर दफल ना करिया जे, किनान दे अंदर दफल करना है। सैयदना यूसुफ नबी ने जदों सैयदना याकूब नबी अलैहि सलातो वस्सलाम आखिरी हिचकियां लै के अल्लाह कोल चले गए, ते तफसीर वाले लिखा है जदों यूसुफ जदों याकूब अलैहि सलातो वस्सलाम फौत होए ने ते अल्लाह दियां तारीफां जबान ते जारी ने, अल्लाह दिया तरीफा जबान ते जारी ने। और सैयदना यूसुफ सलातो सलाम ने अपने बाप दी वसीयत के मुताबिक एक ताबूत बना के उदे अंदर सैयदना याकूब अलैहि सलातो सलाम रखते, बड़ी इज्जत इकराम दे नाल किनान दे अंदर शाम दे अंदर उत्थे दफन फरमा दिता, जिथे सैयदना इसहाक दी कबर सी, जिथे सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो सलाम दे दादे दी कबर सी। तो सैयदना याकूब अलैहि सलातो वस्सलाम दुनिया तो चले गए, हुण आस्ता आस्ता सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम ही ना बाप की जुदाई तो बाद परेशान परेशान रहिंदे, हर वक्त अल्लाह की याद च रहिंदे, इबादत च रहिंदे। ते मिस्र दे अंदर तारीख वाले लिखा 30 साल हुक्मरान रहे ने। किन्ने साल? 30 साल। बड़ा अरसा बादशाह रहे, फिर इन्ना रहम दिल, इन्ना खिदमत खलक करन वाला, अपने ते अपने दुश्मनों की भी खिदमत कर दे, दुश्मनों की भी। सारा मिस्र खुश है सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम की बादशाही ते। ते सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वस्सलाम 110 साल दे हो गए, 110 साल दे। जदों इन्नी उम्र गुजार ली है ते अल्लाह दे सामने दुआ कर देंदे ने, कहंदे ने तवफ्फनी मुस्लिमा। अल्लाह सुनिया जदों फौत होवां ते मैं तेरा फरमा बरदार बन के फौत होवां। मेरे आका ने फरमाया लोगो अल्लाह दे दरबार दे विच्चों दुआ मंगिया करो, रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन। अल्लाह सुनिया सानू मुसलमान करन तो बाद साडे दिलां नू टेढ़ा ना करी, सानू नमाजी बनान तो बाद सानू बेनमाजी ना बनाई, सानू सीधे रस्ते ते चला के पुठे रस्ते ते ना लाई। अल्लाह सुनिया रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना। अल्लाह को दुआ मंगन वाला बंदा कदे भी जिंदगी अंदर गुमराह नहीं होवेगा, और जदों फौत होवेगा ते सोने नबी दे दीन ते फौत होवेगा। जदों मौत भी आनी है ते फिर सोने नबी दे दीन ते मौत आएगी। मगर असी इन्हां नूं मामूली समझने, दुनिया दियां मुहब्बतां साड़ी कोशिश होंदी, असी एवें मूँह कड्ढी रखने जी बस तुहाडे नाल ही मरना ते तुहाडे नाल ही जीना। अल्लाह आंदा जे तू इस तरह का ज़हन रखना फिर एवें ही तेनू मौत आनी इस तरह। ओए दुआ मंगिया करो अल्लाह, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ्फैतहु मिन्ना फतवफ्फहु अलल ईमान। अल्लाह इस्लाम ते जिंदा रखी ते ईमान ते फौत करी। किड्डी प्यारी दुआ है। अल्लाह ईमान ते जिंदा रखी, इस्लाम ते जिंदा रखी ते ईमान दी हालत च दुनिया तो लै जाई।
और जेड़ा बंदा ईमान की हालत चला गया उनका बेड़ा पार हो गया, वो कामयाब हो गया। मेरे आका ने फरमाया, सैयदना यूसुफ नबी ने दुआ मंगी, दुआ के अंदर की मंगया कि जो अल्लाह फौत करें तो मैनू अपना फर्मा बरदार करके। अज बाद साढ़े मुसलमान भरा थोड़ी तंगी आ जाए, परेशानी आ जाए ना, तो कहते ने जी इन नालों मैं मारी जावा चंगा है। औलाद तो तंग आके औलाद के सामने कह देंदा जी इन नालों मैं मारी जावा। अल्लाह के नबी ने एवें मौत मंगन तो मना फरमाया, फरमाया हराम एवें मौत मंगना। आपने फरमाया ला या तमन्ना यन्ना अहदुकुमुल मौत लिज़ुर्रिन, कोई मेरा उम्मती मेरा कलमा पढ़न वाला मेरे नाल मुहब्बत करन वाला मेरे नाल प्यार करन वाला कभी किसे परेशानी दे अंदर आ जाए, दुख दे अंदर आ जाए, गम दे अंदर आ जाए ते कदे भी मौत ना मंगे। आपने फरमाया मौत ना मंगे। और इस तरह हदीस दे अंदर मौजूद है, मेरे आका ने आखरत का जिक्र फरमा रहे ने, साहबा बैठे ने ते एक सियाबी सारो कतार प्यार होंदा है, मेरे आका का बयान सुनी जा रहा है, नारे रोई जा रहा है। सियाबी का नाम हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, फअक्सरुल बका, बड़ा कसरत ना रोई जा रहे ने ते कहंदे ने वकाल या लैतनी मितू, इन्दे नालों तो मैं मारी जांदा ते चंगा सी। मेरे आका ने तीन मरतबा फरमाया ऐ साद एवें क्यों क्या है, ओ साद एवें क्यों आख्या है, एवें ना क्या कर के मैं मर जावा, इन्दे नालों तो मैं मारी जावा चंगा। फरमाया एवें नहीं कहना चाहिदा, मेरे आका ने मना फरमा छड़िया। मेरे आका फरमाते ने मौत ना मंगिया करो, अगर बंदा गुनहगार है हो सकता उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी है मौत नहीं मंगता, अल्लाह किसी वक्त भी तौबा दी तौफीक दे छड़े। अगर बंदा नेक है, नेक बंदा है, मेरे आका ने फरमाया ये नेक बंदे नू जिन्ना भी मौका मिलेगा दुनिया ते नेकियां कमाई जाएगा। मेरे आका ने फरमाया तू नेकियां जमा करता जा रहा है, तेरा नामा अमाल नेकियां नाल भरिया जा रहा है, नेकियां दे नाल भरिया जा रहा। हाँ कोई फितना होवे ना, फितना किसे फितने दे अंदर अगर बंदा मुबतला होने का खतरा है तो बंदा अल्लाह नू दुआ मंग सकदा। जिवें सैयदा मरियम अलैहि सलातु वसलाम ने अल्लाह कोलों दुआ मंगी सी ना, जदों फितने दे अंदर आ गई, समैश अंदर आ गई, बिन खावन दे अल्लाह ने बेटा दे दिता, तो सैयदा मरियम फरमा दिया ने या लैतनी मितु कबल हादा व कुंतु नसियम मनसिया, मैं केड़ा मुँह लैके जावा दी खानदान दे कोल, इन नाल बेहतर सी मैं इस तो पहले मर जांदी, मेरा नामो निशान ही ना हुंदा। वो एक फितना आजमाइश सी। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया अगर बंदा अल्लाह दे कोल जाना चाहता है इवें कवे मेरे अल्लाह मैनू तेरी मुलाकात करन दा बड़ा शौक है। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा इवें कवेगा मन अहब्बा लिका इल्ला, अल्लाह नाल मुलाकात नू पसंद करदा है, अहब्बल्लाहु लिकाअहु, मेरा अल्लाह भी पसंद करेगा, मेरा अल्लाह भी मुहब्बत करेगा कि मेरे बंदे दी मेरे नाल मुलाकात होवे, अल्लाह नाल मुलाकात का शौक। लोग मरना नहीं चाहते, मौत का नाम सुनेंगे ना कहेंगे मौत ना आवे बस जिंदा ही रहिए। अल्लाह को दुआ बंदा मंगे अल्लाह जिन्ना चिर जिंदा रखी सलामत रखी तो जो मौत आवे ना तो अल्लाह मैं तेरी मुलाकात करांगा, मैनू कितना मज़ा आएगा जो तुहाडे नाल मुलाकात होगी। अल्लाह दे नाल मुलाकात करदा है मेरे अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ऐसा बंदा दिल के अंदर शौक रखने वाला तैयारी करने वाला
वो तैयारी करता कहता फौत होने तो बाद अल्लाह नाल मुलाकात होनी है, फौत होने तो बाद मेरे अल्लाह नाल मिलना है। नमाजा भी पढ़ता, कुरान भी पढ़ता, जिक्र भी करता, अजकार भी करता, सदका भी करता, खैरात भी करता, यतीमा नाल प्यार भी करता, अपनी जबान को कंट्रोल च रखता, किसी नू ना जबान नाल दुख देंदा ना हाथ नाल दुख देंदा, अपने आंडियां गुआंडियां दा मल्लेदारां दा ख्याल रखता, रिश्तेदारां दे नाल मुहब्बत करता, प्यार करता, दुख नहीं देंदा किसी तरीके दे नाल, किसी नू अजियत नहीं देंदा। दुनिया ते जिंदगी एवें गुजारदा जिवें मेहमान है, चंद दिन दा अल्लाह दी मुलाकात ज़हन दे अंदर नेकियां ही करदा जा रहा है, आसमान ते बैठा मेरा अल्लाह भी खुश होंदा है, मेरा बंदा जदों आवेगा मेरे नाल मुलाकात करेगा अल्लाह भी फिर उन्दी मुलाकात का शौक रखता है कि मेरे बंदे दे नाल मेरी मुलाकात होए। मेरे भाइयों, मेरे आका अलैहि सलात व सलाम ने अरशाद फरमाया, सैयदना यूसुफ नबी ने अल्लाह को दुआ फरमाई है कि अल्लाह सोने आ जदो फौत होवा तेरा फरमा बरदार बन के जावा ते नेकां दे नाल फिर जाके मिल जावा, वअलहिकनी बिस्सालिहीन। दुआ मंगो अल्लाह साडा भी खात्मा बिल ईमान फरमाए और नेक ते सालिहीन लोगों का साथ नसीब फरमाए। अल्लाह साढ़े गुनावां वल्ले ना वेखी, मेरे अल्लाह अपनी महबूब की उम्मत समझ के अल्लाह मुआफ फरमा देने। ते फरमाया जदों यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम दुनिया तो रुखसत होन लगे ने, सारे खानदान नू जमा फरमाया, आखिरी वेला ते अल्लाह दी तस्बीह बयान करदे करदे इज़राइल आया ते रूह लैके चला गया। सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम बादशाह 30 साल हो गए ने मिस्र ते हुक्मरानी करदिया होया, अल्लाह ने मिस्र दी बादशाही अता कर छड़ी। सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम जदों फौत होए ने, मिस्र दे लोग इन्ने परेशान होए ने, आहो बका घरां दे अंदर लोग रो रहे, गलियां दे अंदर, बाजारां दे अंदर, चौकां दे अंदर। नाल ही सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम वसीयत फरमा के गए, जदों तक मैनू तुसी इस मिस्र दे अंदर दफन करोगे उन्नी देर तक मेरी कब्र इत्थे रहनी चाहिए है, जदों बनी इसराइल इत्थों जावणगे ते मेरी मैयत लै के जावण। फरमाया सैयदना यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम नू भी ना वो एक ताबूत होंदा सी उन्दे अंदर दफन किया जाता सी। नबियां दा वैसे भी जिसम जेड़ा है ना, मेरे आका दी हदीस है ला याकुलु शैअन जसद अलंबिया, नबियां दे जिसम नू कोई चीज़ भी खांदी नहीं, कोई चीज़ भी नबियां दे जिसम नू खांदी नहीं, नेक लोगां दे जिसमां नू भी नहीं खांदी। जिन्नू अल्लाह चाहे शहीद होवे, कोई आलम होवे, कोई नेक अल्लाह दा वली, उन्हां दे जिसमां नू भी कोई चीज़ खा सकदी। जिन्नू अल्लाह रखना चाहे ओ कदे भी कोई मिट्टी दा कोई कीड़ा मकौड़ा उन्दे उन्दा कफन तक मैला नहीं होन देंदा। अल्लाह इन्ना मेरा अल्लाह प्यार करदा है, मुहब्बत करदा है, ते जदों फिर आखिरी वेला आ जांदा है मेरे भाइयों, फिर वो वेला अजीब ही है। ये अल्लाह को दुआ मंगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन सकरातिल मौत व गमरातिल मौत। अल्लाह मौत दियाँ सख्तियाँ ते मौत दियाँ परेशानियाँ तो महफूज फरमा। ये जेड़ा बंदा दुआ पढ़ता रहिंदा है अल्लाह उन मौत दियाँ सख्तियाँ तो महफूज कर लेंदा। ते 30 साल बादशाह बन के रहा, 30 साल ते नेक जो बादशाह चला जावे ना कौम नू फिर पता लगता कि चंगा सी। ते जो सैयदना यूसुफ नबी दुनिया तो गए ते तफसीरां दे अंदर लिखा है कि जदों हज़रत मूसा अलैहि सलातो वसलाम दे जमाने दे अंदर बनी इसराइल मिस्र छड़ के जा रहे थे ना, ते हज़रत यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम नू भी कबर दे विचों कढ़ के आप दे उस ताबूत नू ते शाम दे इलाके दे अंदर दफन किया गया सी, जिथे सैयदना इसहाक नबी ते याकूब नबी दी कबर उथे दफन किया गया। मेरे भाइयों, मौत नहीं छड़ दे, इन्हें आ के रहना है। अल्लाह ने कुरान अंदर फैसला फरमा दिता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत,
हर नफ्स ने मौत नू चखना है, कोई खुशी दे नाल फौत होना चाहे या कोई बंदा ना खुश होवे, मौत ने फिर भी आना है। मौत ने आके रहना इत्थे बड़े बड़े वजीर। और फिर वेखो बड़ी अजीब बात है, अल्लाह का निजाम देखो, अल्लाह का इंसाफ देखो। गरीब फौत होवे ते उहदी भी कबर उन्नी है, अमीर फौत होवे ते उहनू भी कबर दी जगह उन्नी मिलती है। कदी किसे कमरे जिहड़ी कबर कढ़ीए भी अमीर बड़ा है जी, इहदी कबर थोड़ी खुली करो। इवें होया कदी मरण तो बाद जिहड़ा जमीन का टुकड़ा इको जिन्ना ही मिलता है फौत होने तो बाद। मरबियां दा मालिक दुनिया ते कोठियां ने, मरबे ने, इत्थे जायदादा ने, इत्थे बड़े फखर ना कवे दा आ सारा एरिया जी अपना ही है, ओ प्लाट अपना है, ओ प्लाट अपना है, आ घर भी अपना है, आ दुकाना अपनिया ने, मार्केट अपनी है। ते जो फौत हो जाए, एक गरीब फौत होया उहदा भी दो गज टुकड़ा जमीन दा उहदे नाल ही कबर बनी है। मुरबियां दा मालक है, जायदादा दा मालक है, कोठियां बंगलियां दा मालक है, पैसे वाला सरमायादार है, जागीरदार है, मालदार है। फौत होया ते मेरे अल्लाह ने फरमाया तेरे फौत होने तो बाद देख असां बराबर कर छड़िया है। फकीर बंदा, मोहताज बंदा, गरीब बंदा भी ऊनी कबर मल के बैठा है ते तेनू भी ऊना ही हिस्सा मिले। आ बंदे दी औकात है। दुनिया दे कदी फखर नहीं करना चाहिदा, तकब्बर नहीं करना चाहिदा। ए तकब्बर सिफत मेरे अल्लाह दी है। ए तकब्बर फबदा किन्नू है? अल्लाह नू फबदा। मेरा अल्लाह फरमांदा वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन ते फखर नाल तकब्बर नाल ना टोरिया कर। तू फखर नाल टोर के कोई मेरी जमीन फाड़ नहीं देनी। इन्ना कलन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला, ना मेरी जमीन फाड़ सकना है ते ना मेरे बुलंदो बाला पहाड़ा जिड्डा तू बन सकना है। रहना तू अड्डा ही, ना तू जमीन फाड़ सकेंदा ना मेरे पहाड़ा जिड्डा तू बन जाना है। आकड़ के ना टुरिया कर, जदों रब दी जमीन ते टुरे आजसी दे नाल टुर। तू आजस बन के टुरेंदा रब तेरा नामा अमाल नेकियां दे नाल भर देवेगा। ते फिक्र आखरत दे बारे फिर मैं क्यों ना तेरा थोड़ा जा ईमान ताज़ा करा। अपने ईमान दे अंदर जुमले बठाई। किसे बुजुर्ग ने बड़े प्यारे जुमले बोले, ओए इत्थे टुरन जनाजे गबरुआं दे, इत्थे टुरन जनाजे गबरुआं दे, गल पैन लिबास फकीरां दा, ओए पटड़े ते लीरां जिसम दियां, फटड़े ते लीरां जिसम दियां, बस रवे निशान शरीरां दा। ओए इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं, इत्थे रोना पवे शहजादियां नूं, इत्थे मंदा हाल वजीरां दा, तदबीरां दे चारे नहीं चलने, ओए तदबीरां दे चारे नहीं चलने, जदों तीर वजे तकदीरां दा। ओए इत्थे कख उड्डन लख पतियां दे, ओए इत्थे कख उड्डन लख पतियां दे, है मुड़ फेर हनेर सवेरे दा। मालक जापेंदा, मालक जापेंदे मुड़ कबरी ने, दर वजदा है वसदे डेरे दा। मौत ने आके रहना है, वो बंदा दुनिया ते सब तो ज्यादा सियाणा ते दना है, जेड़ा आखरत वास्ते जोड़ के जांदा है। कबर कहंदी बंदे आ तू मेरे को आंदा पिया है, मेरे अंदर हनेरा ही नेरा, चानन उत्थों लैके आवी, तू चानन इत्थों लैके जाना, खर्च इत्थों लैके जाना। ते मौलाना शरीफ फरमाया करदे सी, दीवन
देवन माल अल्लाह दे कारण ओ जेड़े देवन माल अल्लाह दे कारण खर्च कबर दा पाई राती पढ़न नमाज तहज्जत ओए राती पढ़न नमाज तहज्जत दीवा ए रोशनाई ए कबर वास्ते रोशनी है जदों हनेरियां दे अंदर रब दे सामने कदी रुकू करेगा कदी सजदा करेगा इहदे सजदियां दे नाल ए तहज्जतां दे नाल तेरी कबर रब रोशन फरमा देवेगा और जदों रब दे रस्तियां ते खर्च करेगा अल्लाह दे रस्ते ते खर्च करता जाएगा ए कबर दे अंदर जन्नती बछौना भी बन जाएगा कबर दा दरवाजा रब जन्नत नू खोल देवेगा। ये दुनिया की जिंदगी है मेरे भाइयों, अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह सानू आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगला जुमा इंशाअल्लाह फजाइले रमज़ान के मौजू पर होएगा क्योंकि उस तो अगला जुमा अल्लाह की तौफीक के नाल माहे रमज़ान के अंदर आ रहा है तो इस वास्ते अगला खुतबा जुमातुल मुबारक शाने रमज़ान फजाइले रमज़ान अल्लाह की तौफीक दे नाल बयान होएगा। आज तुसी वादा करो कि जुमे ते वक्त नाल पहुँचोगे, दो चार बंदियां नहीं कह जेड़े पक्के आ रहे हैं, सारे कहोगे कि इंशाल्लाह पहुँचांगे, मुसलमाना वाली इंशाल्लाह है ना, इंशाल्लाह कहते ने इंशाल्लाह, मोमना वाली इंशाल्लाह कहो इंशाल्लाह। तुसी पहली अजान तो बाद आओगे, बैठोगे, रमज़ान दे फजाइल सुनोगे, तुहाडे दिल अंदर शौक पैदा होगा, जदों वापस जाओगे अल्लाह तुहाडे नामा अमाल च एक ऊठ की कुरबानी का सवाब दर्ज फरमा देंगे इंशाल्लाह। असी कोशिश करांगे।